ओम शांति। 25/9/2021 की साकार मुरली। मीठे बच्चे, तुम्हारा अभी ईश्वरीय न्यू ब्लड है, तुम्हें बड़ी मस्ती में भाषण करना चाहिए। नशा रहे शिव बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। प्रश्न, तुम्हें अपनी एम ऑब्जेक्ट का नशा स्थायी बना रहे उसके लिए कौन सी युक्ति अपनाऊं? उत्तर, अपना राजाई पासपोर्ट निकाल कर रखो। नीचे साधारण चित्र, ऊपर राजाई पोशाक से सजा सजाया और उसके ऊपर शिव बाबा, तो एम ऑब्जेक्ट की स्मृति सहज रहेगी। पॉकेट में यह पासपोर्ट पड़ा रहे। जब कभी माया के तूफान आएंगे तो ख्याल चलेगा कि अब हमारा यह पासपोर्ट तो कैंसिल हो जाएगा, हम स्वर्ग में जा नहीं सकेंगे। गीत, रात के राही थक मत जाना। ओम शांति। बच्चों ने इस गीत का अर्थ समझा। अब भक्ति मार्ग के घोर अंधियारे की रात पूरी हुई। बच्चे जानते हैं अब हमारे पास काल नहीं आ सकता। यहाँ बैठे हैं, हमारी एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनने की। जैसे सन्यासी लोग कहते हैं, तुम अपने को भैंस समझो तो वह रूप हो जाएंगे। वह है भक्ति मार्ग के दृष्टांत। जैसे यह भी एक दृष्टांत है ना कि राम ने बंदरों की सेना ली और रावण पर जीत प्राप्त की। तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो, हम सो देवी देवता डबल सिरताज बनेंगे। जैसे स्कूल में पढ़ते हैं तो कहेंगे, मैं यह पढ़कर डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा। तुम जानते हो, हम इस पढ़ाई से सो देवी देवता बन रहे हैं। यह शरीर छोड़ेंगे और हमारे सिर पर ताज होगा। यह तो बहुत गंदी छीछी दुनिया है। नई दुनिया है फर्स्ट क्लास दुनिया, पुरानी दुनिया है बिल्कुल थर्ड क्लास। यह दुनिया तो खलास होने की है। हमको विश्व का मालिक बनाने वाला जरूर विश्व का रचयिता ही होगा, दूसरा कोई पढ़ा ना सके। शिव बाबा ही हमको पढ़ाकर राजयोग सिखलाते हैं। बाप ने समझाया है कि आत्माभिमानी बनो। आत्माभिमानी बनने में ही मेहनत है। पूरा आत्माभिमानी बन जाए तो बाकी क्या चाहिए। तुम ब्राह्मण तो हो ही, जानते हो हम देवता बन रहे हैं। नशा रहता है मैं यह बन रहा हूं। पहले हम कलयुग नरक में पतित थे। असुर और देवता में कितना फर्क है। देवताएं कितने पवित्र हैं, यहाँ कितने पतित मनुष्य हैं। शक्ल भल मनुष्य की है परंतु सीरत देखो कैसी है। जो देवताओं के पुजारी हैं वह खुद भी उनके आगे महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न, हमारे में कोई गुण नहीं। अब तुम चेंज होकर देवता बनेंगे। कृष्ण की पूजा करते ही इसलिए हैं कि हम कृष्णपुरी में जाएं, परंतु यह पता नहीं कि कब जाएंगे। भक्ति करते रहते हैं कि भगवान आकर फल देंगे। भक्ति का फल है सदगति, तो यह है पढ़ाई। पहले तो यह निश्चय चाहिए कि हमको पढ़ाते कौन है। यह है श्री श्री। तुम बच्चे जानते हो बाप हमें श्रीमत दे रहे हैं। जिनको यह पता नहीं वह श्रेष्ठ कैसे बन सकते हैं। आजकल तो एक दो को भ्रष्ट बनाने की मत देते हैं। भ्रष्ट मत है आसुरी मत। इतने सब ब्राह्मण श्री श्री शिव बाबा की मत पर चल रहे हैं। परमात्मा की मत से ही श्रेष्ठ बनते हैं। जिनकी तकदीर में होगा उनकी ही बुद्धि में बैठेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं समझेंगे। जब समझेंगे तब खुद ही मदद करने लग पड़ेंगे। कई तो जानते ही नहीं कि यह कौन है, इसलिए बाबा कोई से मिलते भी नहीं हैं। वह तो और ही अपनी आसुरी मत निकालेंगे। अभी सब मानव मत पर ही चल रहे हैं। श्रीमत को ना जानने कारण ब्रह्मा बाप को भी अपनी मत देने लग पड़ते हैं। अब बाप आए ही हैं तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनाने। अब बच्चे कहते, बाबा 5000 वर्ष पहले मुआफिक हम आपसे मिले हैं। जिनको पता ही नहीं वह ऐसे रेस्पॉन्स दे ना सके। बच्चों को पढ़ाई का बहुत नशा रहना चाहिए। यह बड़ी ऊंच पढ़ाई है परंतु माया भी बड़ी अगेंस्ट है।
तुम जानते हो हम वह पढ़ाई पढ़ते हैं जिससे हमारे सिर पर डबल ताज होना है। भविष्य जन्म जन्मांतर डबल ताजधारी बनेंगे, तो उसके लिए फिर ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए। इनको कहा जाता है राजयोग। कितना वंडर है, बाबा हमेशा समझाते हैं लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ। पुजारी को भी तुम समझा सकते हो, उनसे पूछो कि लक्ष्मी नारायण को यह पद कैसे मिला, यह विश्व के मालिक कैसे बने। ऐसे ऐसे बैठ किसको सुनाओ तो पुजारी का भी कल्याण हो जाए। तुम कह सकते हो कि हम आपको समझाते हैं लक्ष्मी नारायण को राज्य कैसे मिला। गीता में भी भगवान उवाच है ना कि मैं तुमको राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। तो बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए। हम यह बनते हैं, भल अपना चित्र और राजाई का चित्र भी साथ में निकालो। नीचे तुम्हारा चित्र, ऊपर राजाई का चित्र हो। इसमें खर्चा तो है नहीं। राजाई पोशाक तो झट बन सकती है, वह अपने पास रख दो तो घड़ी घड़ी याद आता रहेगा। हम सो देवता बन रहे हैं, ऊपर मैं भलसे बाबा हूँ। यह सब चित्र निकालने होंगे। हम मनुष्य से देवता बनते हैं, यह शरीर छोड़ हम जाकर देवता बनेंगे, क्योंकि अभी यह राजयोग सीख रहे हैं। तो यह फोटो मदद करेंगे। ऊपर में शिव, फिर राजाई चित्र, नीचे तुम्हारा साधारण चित्र। शिव बाबा से हम राजयोग सीखकर डबल सिर ताजधारी देवता बन रहे हैं। चित्र रखा होगा, कोई भी पूछेंगे तो तुम बता सकेंगे। हमको सिखाने वाला यह शिव बाबा है। चित्र देख बच्चों को नशा चढ़ेगा। भल दुकान में भी यह चित्र रख दो। भक्ति मार्ग में बाबा नारायण का चित्र रखता था, पॉकेट में भी रहता था। तुम भी अपना फोटो रख दो तो याद रहेगा कि हम सो देवी देवता बन रहे हैं। बाप को याद करने का उपाय ढूंढना चाहिए। बाप की याद भूल जाने से ही गिरते हैं। विकार में गिरेंगे तो फिर शर्म आएगी कि अब तो हम यह देवता बन नहीं सकते। हार्ट फेल हो जाएगी कि हम अब देवता कैसे बनेंगे। बाबा कहते विकार में गिरने वाले का फोटो निकाल दो। बोलो तुम स्वर्ग में चलने लायक नहीं हो, तुम्हारा पासपोर्ट खलास। खुद भी फील करेंगे हम तो गिर गए, अब स्वर्ग में कैसे जाएंगे। जैसे बाबा नारद का मिसाल देते हैं, उनको कहा कि अपनी शक्ल तो देखो, लक्ष्मी को वरने लायक हो। तो शक्ल बंदर की दिखाई पड़ी तो मनुष्यों को भी शर्म आएगा। हमारे में तो यह विकार है, फिर श्री लक्ष्मी नारायण को कैसे वर सकते हैं। बाबा तो युक्तियां बहुत बताते हैं, परंतु कोई विश्वास भी रखे ना। विकार का नशा आता है तो समझते हैं इस हिसाब से हम राजाओं का राजा डबल ताजधारी कैसे बनेंगे। पुरुषार्थ तो करना चाहिए ना। बाबा समझाते हैं कि ऐसी ऐसी सुंदर युक्तियां रचो और सबको समझाते रहो। यह राजयोग से स्थापना हो रही है। अब विनाश सामने खड़ा है। दिन प्रतिदिन तूफानों का जोर होता जाएगा। बॉम्ब शादी भी तैयार हो रहे हैं। तुम बच्चे या पढ़ाई पढ़ते ही हो ऊंच पद पाने के लिए। तुम एक ही बार पतित से पावन बनते हो। मनुष्य समझते थोड़े ही हैं कि हम नरकवासी हैं, क्योंकि पत्थर बुद्धि हैं। अभी तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन रहे हो। तकदीर में होगा तो झट समझेगा, नहीं तो कितना भी माथा मारो बुद्धि में बैठेगा नहीं। बाप को ही नहीं जानते तो नास्तिक हैं, अर्थात निधन के हैं। धनी का बनना चाहिए जबकि शिव बाबा के बच्चे हैं। यहाँ जिनको ज्ञान है वह अपने बच्चों को विकार से बचाते रहेंगे। अज्ञानी लोग तो अपने मुआफिक बच्चों को विकार में फंसाते रहेंगे। तुम जानते हो यहाँ विकारों से बचाया जाता है। कन्याओं को तो पहले बचाना चाहिए। माँ बाप तो जैसे विकार में धक्का देते हैं। तुम जानते हो कि यह भ्रष्टाचारी दुनिया है। श्रेष्ठाचारी दुनिया तो सब चाहते हैं, परंतु वह कौन बनाएगा। भगवान उवाच, मैं इन साधुओं संतों का भी उद्धार करता हूँ। गीता में भी लिखा हुआ है कि भगवान को ही सबका उद्धार करना है। एक ही भगवान बाप आकर सबका उद्धार करते हैं। इस समय अगर मालूम हो जाए कि बरोबर गीता का भगवान शिव है तो पता नहीं क्या हो जाए। परंतु अभी थोड़ी देरी है, नहीं तो सबके अड्डे एकदम हिलने लग पड़े।
तख्त हिलते हैं ना, लड़ाई जब लगती है तो पता पड़ता है कि इनका तख्त हिलने लगा है, अब गिर पड़ेगा। अभी यह हिले तो हलचल मच जाए, आगे चल होने का है तो भाषण में भी तुम समझा सकते हो। संस्कृत जो अच्छी रीति जानते हैं वह श्लोक सुना सकते हैं। पतित पावन सर्व का सदगति दाता खुद कहते हैं, बरोबर ब्रह्मा तन से स्थापना कर रहे हैं, सर्व की सदगति अर्थात उद्धार कर रहे हैं। भाषण करने में बड़ी मस्ती चाहिए, कन्याओं का न्यू ब्लड है, ज्ञान का पत्थर मार सकती है। स्टूडेंट का न्यू ब्लड होता है ना तो खूब हंगामा मचाते हैं, पत्थर मारते हैं, इसमें वह तीखे होते हैं। अब यह भी तुम्हारा न्यू ब्लड है, तुम जानते हो वह कितना नुकसान कर रहे हैं। तुम्हारा यह ईश्वरीय न्यू ब्लड है, तुम पुराने से नए बन रहे हो। तुम्हारी आत्मा जो पुरानी आयरन एजेड बन गई है वह अब नई गोल्डन एजेड बन रही है। तो बच्चों को बड़ा शौक होना चाहिए, नशा कायम रखना चाहिए, अपनी हमजिंस को उठाना चाहिए। गाया भी जाता है गुरु माता, माता गुरु कब होती है सो तुम जानते हो। गुरु का सिलसिला अभी चलता है, माताओं पर बाप आकर ज्ञान अमृत का कलश रखते हैं। शुरू भी ऐसे होता है, सेंटर्स के लिए भी कहते हैं ब्राह्मण ही चाहिए, बाबा तो कहते हैं आप ही चलाओ, हिम्मत नहीं है, नहीं बाबा माता चाहिए। यह भी ठीक है, मान देते हैं। आजकल दुनिया में एक दो को लंगड़ा मान देते हैं, स्थाई किसको मान नहीं मिलता। इस समय तुम बच्चों को स्थाई राज्य भाग्य मिल रहा है। तुमको बाप कितने प्रकार से समझाते हैं, अपने को सदैव हर्षित मुख रहने के लिए बहुत अच्छी अच्छी युक्तियां बाप बताते हैं। शुभ भावना रखनी चाहिए, ओहो हम यह लक्ष्मी नारायण बनते हैं, अगर किसकी तकदीर में नहीं है तो तदबीर क्या करे। बाबा तो तदबीर बताते हैं, तदबीर कभी व्यर्थ नहीं जाती, यह तो सदा सफल होती है। राजधानी स्थापन हो जाएगी, विनाश भी महाभारी महाभारत लड़ाई द्वारा होना है। आगे चल तुम भी जोर भरेंगे तो यह सब आएंगे, अभी नहीं समझेंगे नहीं तो उनकी राजाई उड़ जाए। तुम्हारे पास चित्र बहुत अच्छे हैं, यह है सदगति अर्थात सुख धाम, यह है मुक्ति धाम। बुद्धि भी कहती है हम सब आत्माएं निर्वाण धाम में रहती हैं, जहाँ से फिर टौकी धाम में आते हैं, हम आत्माएं वहाँ की रहने वाली हैं। यह खेल ही भारत पर बना हुआ है, शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं। बाप कहते हैं मैं आया हूँ कल्प बाद फिर आऊंगा, भारत ही पैराडाइज है। कहते भी हैं क्राइस्ट के इतने वर्ष पहले पैराडाइज था, अब नहीं है, फिर होना है। तो जरूर नरकवासियों का विनाश, स्वर्गवासियों की स्थापना चाहिए। सो तो तुम स्वर्गवासी बन रहे हो, नरक का विनाश हो जाएगा, यह भी समझ चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला हरेक के प्रति शुभ भावना रखनी है, सबको सच्चा मान देना है। सतयुगी राजधानी में ऊंच पद पाने के लिए तदबीर करनी है। दूसरा आत्माभिमानी बनने की मेहनत करनी है। मानव मत छोड़ एक की श्रीमत पर चलना है। पढ़ाई के नशे में रहना है। वरदान रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक रख, खुशी का महादान करने वाले पुण्य आत्मा भव। वर्तमान समय चारों ओर रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक करने की आवश्यकता है, यही रिकॉर्ड फिर चारों ओर बजेगा। रिगार्ड देना और रिगार्ड लेना
छोटों को भी रिगार्ड दो, बड़े को भी रिगार्ड दो। यह रिगार्ड का रिकॉर्ड अभी निकलना चाहिए, तब खुशी का दान करने वाले महादानी पुण्य आत्मा बनेंगे। किसी को रिगार्ड देकर खुश कर देना, यह बड़े से बड़ा पुण्य का काम है, सेवा है। स्लोगन, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चलो तो एवर रेडी रहेंगे। ओम शांति। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं। आप दृष्टि